नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से आगरा की ओर जा रही स्विफ्ट कार टायर फटने से पलटी, कार में सवार 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। एक की इलाज के दौरान बांगरमऊ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में हुई मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सभी कार सवार लखनऊ से बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अचानक कार का टायर फट गया और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुलवंत सिंह उत्तरा राजेंद्र कुलीखेड़ा लखनऊ, सत्यार्थ पुत्र जसवंत सिंह कुलीखेड़ा थाना मानक नगर लखनऊ, आशीष यादव पुत्र बंसल लाल निवासी बुलकाड़ी अड्डा लखनऊ, शुभम यादव पुत्र समर बहादुर कुलीखेड़ा थाना महानगर जनपद लखनऊ सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना वारदात पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने सभी घायलों को बांगरमऊ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसमें से एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर सौरभ टंडन है, मैं बांगरमऊ सीएससी पे इमरजेंसी में तैनात हूं। अभी एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। हाँ, मेरे पास में 5 लोग घायल अवस्था में लाए गए थे, जिनका सबका इलाज करके जिला अस्पताल उन्नाव के लिए रेफर किया था, लेकिन उनमें से 2 की हालत ज़्यादा गंभीर थी, इस कारण से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया, लेकिन उनमें से एक की मौत यहीं पर ही हो गई है।